सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसे कि डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि यूएस नेवी की सातवीं फ्लीट ने 7 अप्रैल को भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना भारत की परमिशन के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को अंजाम दिया था और इस ऑपरेशन की जानकारी खुद यूएस नेवी ने सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके दी है। बाकी ये पूरा मामला क्या था इसे जानने के लिए आप हमारा पिछला डिफेंस अपडेट देख सकते हैं। लेकिन आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है क्या, क्योंकि इसके बारे में आपने सुना तो कई बार होगा लेकिन आप में से बहुत कम होंगे जिन्हें एक्चुअल में इसका मतलब पता होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये एक्सक्लूसिव सा जोन है क्या। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। आप सभी ने जरूर पढ़ा होगा कि पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और पृथ्वी का जो सारा पानी है उसका 96.5% हिस्सा पृथ्वी के महासागरों में जमा है। लेकिन हम इंसानों की फितरत है कि हमें जितना मिले उतना कम ही लगता है, तो इसीलिए जब हमने जमीन को नहीं छोड़ा तो फिर हम अपने महासागरों को, अपने समुद्रों को कैसे छोड़ सकते हैं जो कि पृथ्वी का सबसे ज्यादा हिस्सा लेकर बैठे हुए हैं। तो इसलिए जो ये बड़े बड़े महासागर हैं, जो बड़े बड़े समुद्र हैं, उनके लिए भी एक खास कानून बनाया गया है। इसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 और शॉर्ट फॉर्म में इसे लॉ ऑफ द सी भी कह सकते हैं। और इसी कानून के तहत जो समुद्री क्षेत्र है उसे मुख्य रूप से 5 जोन में बांटा गया है। पहला इंटरनल वाटर्स, दूसरा टेरिटोरियल सी, तीसरा कंटिग्यूस जोन, चौथा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और पांचवा हाई सीज। अब आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो आपको ये दर्शाएगी कि ये 5 अलग अलग जोन किस तरीके से डिवाइड होते हैं। तो इन पांचों जोन को नापा जाता है बेस लाइन के थ्रू। बेस लाइन का मतलब हुआ किसी भी स्टेट के तट से लगी सबसे लो वाटर लाइन। अब इस बेस लाइन से जो पीछे वाला हिस्सा है यानी कि जो जमीन की तरफ वाला हिस्सा है, उस बीच का जो भी पानी वाला क्षेत्र है वो कहलाता है इंटरनल वाटर्स। और हर एक कोस्टल स्टेट का इस इंटरनल वाटर पर पूरा अधिकार होता है, जैसा कि उसका अधिकार उसकी जमीन पर होगा। और इंटरनल वाटर्स की एग्जांपल के तौर पर आप ले सकते हैं कोई भी बंदरगाह, इनलेट, कोई नदियां, लेक, यानी कि वो सब चीजें जो समुद्र से कनेक्टेड हैं। इसके बाद जो अगला जोन आता है वो है टेरिटोरियल सी। अब ये जो जोन है इसे माना जाता है किसी भी स्टेट की बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक। अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो होगा 22.224, यानी कि बेस लाइन से जो समुद्र की तरफ 22.225 किलोमीटर का एरिया है वो पूरा एरिया कहलाएगा टेरिटोरियल सी। लेकिन इस जोन पर किसी भी देश के जो राइट्स होते हैं वो इंटरनल वाटर्स की कंपैरिजन में थोड़े लिमिटेड होते हैं। इसके बाद आता है कंटिग्यूस जोन। ये जोन हुआ बेस लाइन से समुद्र की तरफ 24 नॉटिकल माइल्स यानी कि करीब 44.448 किलोमीटर की दूरी तक। और इस जोन में कोस्टल स्टेट को पूरा अधिकार है कि अगर उसकी टेरिटरी या टेरिटोरियल सी के अंदर किसी कस्टम लॉ, इमिग्रेशन या किसी फिस्कल का उल्लंघन होता है तो उसको वो प्रिवेंट कर सकता है और पनिश कर सकता है। लेकिन इस कंटिग्यूस जोन पर स्टेट को केवल सागर के सरफेस और फ्लोर तक ही अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसे शॉर्ट फॉर्म में EEZ के तौर पर लिखा जाता है। और ये होता है बेस लाइन से समुद्र की तरफ 200 नॉटिकल माइल्स तक यानी कि करीब 370 किलोमीटर। और ये समुद्र में किसी भी सोवरेन स्टेट यानी कि एक ऐसा राज्य जो ना किसी पर निर्भर है और ना ही किसी के अधीन है, यानी कि वो एक संपन्न संपूर्ण देश है। तो ऐसे देश को समुद्र के इस हिस्से पर कुछ स्पेशल राइट मिलते हैं जिसके तहत वो देश समुद्र के इस हिस्से में जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है और इसके मरीन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकता है। और यहाँ पर वो स्टेट वाटर करंट्स या फिर विंड की मदद से एनर्जी प्रोडक्शन जैसी एक्टिविटीज भी कर सकता है। और जिस सोवरन स्टेट का ये जोन है बिना उसकी परमिशन के कोई और फॉरेन स्टेट यहाँ पर कोई ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज को कंडक्ट नहीं कर सकती है जिसमें कोई एक्सप्लोजिव्स या कोई वेपन्स शामिल हों। हालांकि लॉ के मुताबिक इस जोन में कोस्टल स्टेट को ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया है जिसमें वो किसी को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या फिर उसके ऊपर ओवर फ्लाइट के लिए रोके, लेकिन ये तभी तक है जब तक ये गतिविधियां उस कोस्टल स्टेट के नियम के अधीन हो। बाकी इसके बाद जो पांचवा जोन है वो कहलाता है हाई सीज। तो ये समुद्र का वो हिस्सा है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड है और ये समुद्र का वो हिस्सा है जिस पर हर किसी का हक है, यानी कि ये किसी भी एक स्टेट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। और हर एक राज्य इन क्षेत्रों में तब तक गतिविधियां कर सकता है जब तक कि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए की जा रही हैं, जैसे कि ट्रांजिट, मरीन साइंस या फिर कोई भी अंडरसी एक्सप्लोरेशन। तो ये तो हो गए समुद्र के 5 मेन जोन जो कि लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। अब हम फोकस करते हैं मेन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर। लेकिन उससे पहले अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक माना जाता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को
200 नॉटिकल माइल्स से 350 नॉटिकल माइल्स तक बढ़ाने के लिए यूनाइटेड नेशंस में याचिका दायर की है। और टोटल साइज के अकॉर्डिंग भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो दुनिया में 18वां सबसे लार्जेस्ट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। और भारत के जोन में लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और अंडमान सी आते हैं। बाकी भारत के इस एक्सक्लूसिव जोन की जो सीमा है वो पश्चिम में पाकिस्तान के साथ लगती है, दक्षिण में मालदीव और श्रीलंका के साथ, और पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ। और जैसे कि हमने कहा कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो फॉरेन नेशंस हैं उन्हें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या ओवरफ्लाइट की मंजूरी है, लेकिन वो कोस्टल स्टेट के रेगुलेशन के अधीन होनी चाहिए, यानी कि जिस देश का वो जोन है उसने जो उसके लिए नियम बनाए हैं वो उसके अधीन होने चाहिए। और भारत का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लेकिन भारत के डोमेस्टिक लॉ के मुताबिक भारत के पास इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में कुछ और भी राइट्स हैं, जैसे कि भारत के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि वो यहाँ पर आर्टिफिशियल आइलैंड का कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन कर सकता है, उन सभी स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस को इंस्टॉल कर सकता है जो इस जोन में रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा भारत के पास अधिकार है कि वो यहाँ की साइंटिफिक रिसर्च को ऑथोराइज, रेगुलेट और कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा इस जोन में बिना भारत की केंद्र सरकार की अनुमति के कोई भी यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर या एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह की सर्च या रिसर्च को अंजाम दे सकता है। और जबकि भारत ने अपने इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के सभी कॉन्सेप्ट को 1997 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के सामने भी पुष्टि की है, जबकि अमेरिका ने आज तक ऐसा नहीं किया है। और जबकि यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी भी इस बात की अनुमति नहीं देता है कि कोई भी अदर स्टेट किसी और के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिना उसके परमिशन के कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज या मैनवर्स करे जिसमें वेपन्स या एक्सप्लोजिव शामिल हों। बाकी यूएस की तरफ से जो उनकी इस हरकत पर बयान आया था उनका तो ये कहना था कि उन्होंने जो भी किया है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप ही है, यानी कि उनके मुताबिक किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन नहीं हुआ है। और जबकि यूएस नेवी का ये भी कहना था कि वे इस तरह के फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस को कंडक्ट करते रहते हैं और ऐसा उन्होंने पहले भी किया है और आगे भविष्य में भी वो इस तरह के ऑपरेशंस को जारी रखेंगे। और उनके मुताबिक ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन किसी एक कंट्री तक सीमित नहीं है बल्कि वो हर किसी के लिए लागू होते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर यूएस नेवी ऐसा पहले भी कर चुकी है तो इसी बार सार्वजनिक रूप से बयान जारी करके बताने की क्या जरूरत थी। और वैसे भी जब भारत अपने इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के कॉन्सेप्ट को लीगली यूएन के सामने डिफाइन कर चुका है तो फिर यूएस नेवी ऐसे कैसे कह सकती है कि भारत के ये कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के विपरीत हैं। और बाकी फिलहाल अभी यूएस नेवी की इस हरकत पर इंडियन नेवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है और जैसे इस पर कोई अपडेट आता है तो हम आपको डिफेंस अपडेट के माध्यम से बताई देंगे। बाकी उम्मीद है आपको भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो प्राप्त हो गई होगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपको कोई सुझाव या कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप शेयर कर सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि हमें लगता है कि बहुत ही कम होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं।